हेलो स्टूडेंट, दिस इज विपिन हियर। आई एम अगेन केम बैक विद माय न्यू वीडियो ऑन अवर चैनल एजुकेशनल हाइक। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर सेकंड ऑफ क्लास 8th हिस्ट्री, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। तो स्टूडेंट्स, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 को कवर करेंगे। मैंने इस पर्टिकुलर चैप्टर को 2 से 3 पार्ट्स में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया है, तो ये उसी के रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट है। आइए हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर पार्ट में हम कौन कौन से टॉपिक्स को कवर करेंगे। ओके, द फर्स्ट वन इज ओवरव्यू ऑफ चैप्टर, फैक्ट्स अबाउट ईस्ट इंडिया कंपनी, ट्रेड इन बंगाल एंड हाउ ट्रेड लीड टू बैटल्स। दीज ऑल टॉपिक्स आई एम गोइंग टू कवर इन दिस पर्टिकुलर पार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल एजुकेशन हाइक पे अभी नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। तो आइए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, जैसे आपने देखा इस चैप्टर का नाम क्या है, इस चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। ठीक, कैसे यहाँ पे आपको ये बताया जाएगा कि कैसे ब्रिटिशर्स हमारे देश इंडिया में व्यापार करने आए थे और व्यापार करने के साथ साथ वो यहाँ पे अपनी अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर देते हैं। किस तरीके से वो लोग ट्रेड के पर्पज से आए थे, लेकिन उन्होंने यहाँ पे अपनी कॉलोनी इस्टेब्लिश कर दी, हमको अपना गुलाम बना लिया। तो यही इस टॉपिक, इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम समझने की कोशिश करेंगे। आइए स्टार्ट करता हूँ। देखिए, थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं। आप सभी को पता है कि अंग्रेजों से पहले हमारे भारत देश में जिसकी हुकूमत थी वो कौन से इम्पीरियर्स थे, दे आर मुगल इम्पीरियर्स। ओके, तो आपको ये भी बताना चाहिए जो सबसे लास्ट पावरफुल मुगल इम्पीरियर थे वो थे औरंगजेब। औरंगजेब लास्ट पावरफुल मुगल इम्पीरियर थे और ये मरे थे आपके 1707 में। ठीक है, 1707 में जब आपके लास्ट पावरफुल मुगल इम्पीरियर औरंगजेब मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद क्या होता है, उनके मरने के बाद पूरा का पूरा पावर डिसेंट्रलाइज हो जाता है। सपोज करें जैसे ये पूरी की पूरी कंट्री इंडिया है और इस पूरी कंट्री इंडिया में जो ये मिड पॉइंट है, ये पूरे के पूरे कंट्री को गवर्न कर रहा है, पूरे के पूरे कंट्री पे एडमिनिस्ट्रेशन का वर्क कर रहा है। ओके, लेकिन जैसे ही ये पावर डिस्ट्रॉय होती है, जितने भी आपके अदर स्टेट्स होते हैं, ये सारे के सारे अदर स्टेट्स क्या करते हैं, अपने पर्टिकुलर एरिया को, अपने पर्टिकुलर रीजन को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं, जिससे यूनिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है और सेंट्रलाइज पावर आपकी डिसेंट्रलाइज फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, जिससे इसका फायदा किसे मिलता है, यूरोपियन पावर्स को। ओके, अब देखते हैं। द लास्ट पावरफुल मुगल रूलर वॉज औरंगजेब एंड आफ्टर हिज डेथ इन 1707 मैनी मुगल गवर्नर एंड बिग जमींदार बिगेन एक्सर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम। देखिए, सीधा सीधा कह रहा है, 1707 में जब आपके लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर औरंगजेब मर जाते हैं तो उनके मरने के बाद आपके औरंगजेब के जो गवर्नर्स थे, उनके जो बिग जमींदार थे, उन सभी ने क्या किया, वो जिन भी पर्टिकुलर एरियाज़ में एडमिनिस्ट्रेशंस का वर्क कर रहे थे, उन पर्टिकुलर एरियाज़ को वो क्या करते हैं, वहाँ पे अपनी अथॉरिटी जमा लेते हैं। ठीक है, उन पर्टिकुलर एरियाज़ को वो इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर देते हैं। ओके, और इसी समय 18th सेंचुरी में एक और नया पॉलिटिकल हीरोजन आपके इमर्ज हो रहा था, जो कौन था, द ब्रिटिशर्स। ओके, तो ये था चैप्टर का ओवरव्यू कि मुगल एम्पायर के डिक्लाइन, मुगल पावर के डिक्लाइन करने के बाद किस तरीके से उस पर्टिकुलर डिक्लाइन का बेनिफिट उठाया आपके ब्रिटिशर्स ने। यहीं से इस चैप्टर की स्टार्टिंग है, यहीं से इस चैप्टर का शुरुआत है। आइए वन बाय वन हम एक एक टॉपिक्स को कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ आपको बता दूँ अगले टॉपिक को कवर करने से पहले, अगर कोई आपसे पूछेगा कि लास्ट मुगल एम्पायर कौन था, तब आप कहेंगे बहादुर शाह जफर सेकंड। अगर कोई आपसे कहेगा कि लास्ट पावरफुल मुगल एम्पायर कौन था, तो आप कहेंगे औरंगजेब। औरंगजेब की मौत 1707 में हुई थी और इनके मरने के बाद ही मुगल्स का डिक्लाइन स्टार्ट हुआ था और मॉडर्न हिस्ट्री का स्टार्टअप भी यहीं से हुआ था। ओके, अब देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में जानते हैं। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ, क्या हुआ, थोड़ा बहुत इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ब्रिटिशर्स के द्वारा इंडिया में जो आपकी कंपनी चलाई जा रही थी, उसी कंपनी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहते थे। ओके, देखिए, 1600 में इंग्लैंड की जो क्वीन थी एलिजाबेथ फर्स्ट, उन्होंने एक परमिशन ग्रांट किया कि आप सभी को मैं परमिशन देती हूँ, ब्रिटिशर्स को वो ये परमिशन देती हैं कि वो लोग केप ऑफ गुड होप के ईस्ट के साइड जाकर क्या कर सकते हैं, व्यापार। ठीक,
ठीक है, वो परमिशन देती है द कंपनी सोल राइट टू ट्रेड विद द ईस्ट, मतलब ब्रिटेन के ईस्ट में, ब्रिटेन के ईस्ट में कंपनी को ये परमिशन मिल गई थी, वो किसी भी जगह पर भी जाकर व्यापार कर सकते हैं। लेकिन ब्रिटिशर्स के दिमाग में इंडिया था, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि इंडिया में सबसे अच्छा और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है इंडिगो का, कॉटन का, इसके बाद स्पाइसेस का, और ये सारी की सारी चीज़ें आपके यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ही ज़्यादा हाईली डिमांडेड थी। ओके, तो इन सभी का जो मतलब एक इंटेंशन था कि हम लोग इंडिया में जाएंगे और वहाँ पर ट्रेड करेंगे, क्योंकि वहाँ से इन सभी चीज़ों को ले आकर जब हम यूरोपियन मार्केट्स में बेचेंगे तो उससे हमको मोर प्रॉफिट होगा। ओके, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू द चार्टर द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशियंस लुकिंग फॉर न्यू लैंड टू बाय गुड्स एट अ चीपर प्राइस एंड कैरी देम बैक टू यूरोप टू सेल एट हायर प्राइस। ओशियंस, समुद्र को, पानी के रास्ते समुद्र को पार करके ये लोग एक नए जमीन के, एक नए लैंड की तलाश में थे, जहाँ से वे ये उन पर्टिकुलर प्लेसेस के प्रोडक्ट को ला के अपने यूरोपियन मार्केट्स में बेच सकें। अब इंडिया में आते, यहाँ से मसाले खरीदते सस्ते दामों में और ले जाके यूरोप में उसको बेचते महंगे दामों में। मसालों का जो डिमांड था यूरोप मार्केट में इसलिए ज़्यादा था क्योंकि यूरोपियंस मीट वगैरह बहुत खाना पसंद करते थे, तो मीट्स वगैरह को बनाने में आपके मसाले की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, स्पाइसेस की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, इसीलिए स्पाइसेस आपके यूरोपियन मार्केट्स में बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडेड थे। ओके, अब देखिए, सबसे पहले इंडिया में आपके आए थे पुर्तगीज, चार यूरोपियन पावर आपके इंडिया में आई थी, पुर्तगीज, डच, फ्रेंच एंड ब्रिटिशर्स, सॉरी ब्रिटिशर्स एंड देन फ्रेंच। ओके, याद रखिएगा, चार यूरोपियन पावर्स आपके इंडिया में आई थी, पुर्तगीज, डच, ब्रिटिशर्स एंड फ्रेंच। ओके, तो सभी यूरोपियन पावर्स जब यहाँ पे आ गए, उन्होंने यहाँ पे अपना डोमिनेशन स्टैब्लिश कर दिया, अपनी फैक्ट्रियाँ स्टैब्लिश कर दी, वो सब ट्रेड करने लगे, तो इससे क्या हुआ, सभी यूरोपियन पावर्स के बीच में, सभी यूरोपियन कंपनीज के बीच में कंपटीशन बढ़ गया, जिससे प्रॉफिट का डिवीज़न होने लगा, और ये चीज़ें किसी भी यूरोपियन पावर को पसंद नहीं थी, जिसके बाद इन सभी यूरोपियन पावर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और वार्स होते हैं, लगातार क्या होते हैं, वार्स। ओके, तो इंडिया में सबसे पहले जो यूरोपियन पावर्स आई थी वो थी आपकी पुर्तगीज, जो 1498 में आई थी। ये क्वेश्चन कई बार जीके में वैसे भी पूछा जाता है कि बताइए भारत की खोज पानी के रास्ते किसने की थी, तो भारत की खोज पानी के रास्ते वास्को डिगामा ने की थी, वास्को डिगामा एक पुर्तगीज था। ओके, एक पुर्तगाली था, पुर्तगीज ने बहुत अच्छा व्यापार किया, लेकिन जब बैटल ऑफ बेदारा हुआ उनका, उनकी जब लड़ाई होती है ब्रिटिशर्स से, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उनको कन्फाइन कर दिया, उनको युद्ध में हरा कर, उनसे ट्रीटी करके उनको गोवा दमन दीव तक कन्फाइन कर दिया कि आप इस पर्टिकुलर एरिया के बाहर व्यापार नहीं कर सकते। इसी तरीके से उन्होंने फ्रेंच को कन्फाइन कर दिया था, इसी तरीके से उन्होंने डच पीपल्स को कन्फाइन कर दिया था, और अपना डोमिनेशन, अपना एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी पूरे के पूरे कंट्री पे उन्होंने स्टैब्लिश कर दिया। ओके, अब उसके बाद उनकी नज़र थी यहाँ के राजा महाराजाओं पे। तो आइए कुछ चीज़ें और जानते हैं। बाय द अर्ली 17th सेंचुरी द डच वर एक्सप्लोरिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेड इन इंडियन ओशियन एंड इवन सून द फ्रेंच अराइव ऑन द सीन। ऑल द कंपनीज आर इंटरेस्टेड इन बाइंग द सेम थिंग। देखिए, जितनी भी यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई थी, चाहे पुर्तगीज हो, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे ब्रिटिशर्स हो, जितने भी आपके यूरोपियन पावर्स इंडिया में आई थी, ये सब सेम चीज़ों को, सेम थिंग्स को खरीद रहे थे और ले जाके यूरोपियन मार्केट्स में बेच रहे थे। वो सेम थिंग्स क्या थी, कॉटन, सिल्क, पेपर, क्लो, कार्डमोम, चिनमोम वर इन द ग्रेट डिमांड। ये सारी सारी चीज़ें आपके यूरोपियन मार्केट्स में बहुत अधिक हाईली डिमांडेड चीज़ें थी, तो सभी यूरोपियन पावर्स इन्हीं चीज़ों का ट्रेड करना चाह रहे थे, क्योंकि इनके ट्रेड करने से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होते थे। लेकिन जब सभी यूरोपियन पावर्स यहाँ पे आके व्यापार करने लगती हैं, तो उनके बीच में कंपटीशन बढ़ जाता है, जिससे प्रॉफिट का डिवीज़न होने लगता है, और ये किसी भी यूरोपियन पावर्स को गवारा नहीं था, जिसके कारण उन सभी पावर्स के बीच में कन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है, और वो कन्फ्लिक्ट आपके बैटल में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, अब देखिए, द आर्क टू सिक्योर मार्केट लीड टू फ्रीज बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनी। ठीक, मार्केट में अपने डोमिनेशन को स्टैब्लिश करने के लिए सभी यूरोपियन पावर्स के बीच में क्या होता है, बैटल होता है। ओके, ट्रेड वर कैरीड ऑन विद आर्म एंड ट्रेडिंग पोस्ट और प्रोटेक्टिंग थ्रू फोर्टिफिकेशन। अब सभी कंपनीज ने ट्रेड के अलावा आर्मीज भी स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी, और जहाँ पे भी उन्होंने अपना फैक्ट्रियाँ बनाई थी, जहाँ पे भी उनका पोर्ट था, उसको वो फोर्टिफाइड करना शुरू कर दिए थे, मतलब किलाबंदी करना शुरू कर दिए थे, ताकि अपने एनिमी यूरोपियन पावर से खुद को प्रोटेक्ट कर सकें।
फिर से समझिएगा, जितनी भी कंपनियां यहाँ पे ट्रेडिंग कर रही थी, सभी ट्रेडिंग कंपनीज ने आर्मी स्टैब्लिश करनी शुरू कर दी थी, और वो अपने पोर्ट्स का, अपने फैक्ट्रीज का फोर्टिफिकेशन कर रहे थे, ताकि वो एनिमी यूरोपियन पावर्स से अपने कंट्री को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। ओके स्टूडेंट्स, हमने 3 से 4 टॉपिक्स इस पर्टिकुलर चैप्टर के कवर कर लिए, हमने ओवरव्यू देख लिया। इसके बाद ये भी जान लिया कि सबसे पहले जो आपके यूरोपियन पावर्स थे उनमें कौन से यूरोपियन पावर्स इंडिया आई थी, ये किस पर्टिकुलर चीज़ से अट्रैक्ट थे, और इनके बीच में कन्फ्लिक्ट क्यों हुआ। ओके अब हम जानेंगे ब्रिटिशर्स की जो कंपनी थी, यानी कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बारे में कि उसने सबसे पहले ट्रेड कहाँ स्टार्ट किया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले स्टार्ट किया था अपने बंगाल में। देखते हैं, इन 1651 द फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेटअप। इट वॉज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर्स नोन एज फैक्टर ऑपरेटेड। इन द वेयर हाउस ऑफ द फैक्ट्री गुड्स फॉर एक्सपोर्ट वर स्टोर्ड। अब देखिए, जो भी चीज़ों का प्रोडक्शन यहाँ पे हो रहा था, या जिस भी चीज़ का ये लोग यहाँ पे ट्रेड कर रहे थे, उन सभी चीज़ों को ये लोग इस पर्टिकुलर फैक्ट्री में, इस पर्टिकुलर जगह पे ये लोग क्या करते थे, स्टोर करके रखते थे, ताकि इजीली इन चीज़ों को अपने कंट्री में एक्सपोर्ट कर सकें। ओके एक और चीज़ बता दें, कंपनी जब मैंने बता दिया, सभी यूरोपियन कंपनीज जब यहाँ पे ट्रेड कर रही थी, तो उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट हो गया था, जिससे प्रॉफिट का डिवीज़न हो रहा था, जिससे उनके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो गया था। और इसके बाद इन सभी को पता था कि आने वाले समय में हम सभी के बीच में लड़ाई तो होनी ही है, इसलिए सभी कंपनीज ने आर्मी फॉर्म करना स्टार्ट कर दिया, और खुद को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के लिए क्या स्टार्ट कर दिया था, फोर्टिफिकेशन, फोर्ट वगैरह बिल्ड करने स्टार्ट कर दिए थे। ओके आगे देखते हैं, द कंपनी कंटिन्यूअसली ट्राइड टू प्लेस मोर कॉन्सेशन एंड मैनिपुलेटिंग एक्जिस्टिंग प्रिविलेजेस। कंपनी लगातार बहुत अधिक से अधिक राइट्स के चक्कर में आपके नवाब के पास, या आपके जो भी उस समय अथॉरिटी थी उनके पास लगातार जाती थी, ताकि उनको और भी ज़्यादा राइट्स मिल सके, और वो लोग कहते हैं टैक्स फ्री ट्रेड वहाँ पर कर सकें। ठीक, अब देखिए, हाउ ट्रेड लेड टू बैटल। जो वहाँ पर ट्रेड हो रहा था, वो ट्रेड आपके बैटल में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को कवर करेंगे, और ये इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे उनको हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। तो देखिए, द कन्फ्लिक्ट बिटवीन द कंपनी एंड द नवाब ऑफ बंगाल इंटेंसीफाइड। बहुत ही ज़्यादा इंटेंसीफाइड हो गया था नवाब के बीच में, बंगाल के नवाब के बीच में और आपके कंपनी के बीच में। ओके क्या हुआ था, देखिए, द बंगाल नवाब रिफ्यूज टू ग्रांट द कंपनी कंसेशन, डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनी राइट्स टू ट्रेड, डिनाइड एनी राइट टू मिंट कॉइन एंड स्टॉप इट फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट फोर्टिफिकेशन। बंगाल ने सीधा सीधा कह दिया कि हम आपको अब कोई अधिकार नहीं देंगे। ठीक है, सेकेंड थिंग, आप लोग क्या कहते हैं, जो भी व्यापार कर रहे हैं उस व्यापार के बदले में आपको टैक्सेस पे करना होगा। थर्ड थिंग, आप लोग कोई भी कॉइन्स को मिंट नहीं करेंगे, किसी प्रकार की कोई भी सिक्के वगैरह आप नहीं छापेंगे। चौथी चीज, आप लोग अब क्या कहते हैं, फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, आप लोग अब किला वगैरह नहीं बनाएंगे। ये सारी चीज़ आपके नवाब ने किससे कही, वहाँ के ब्रिटिशर्स से, ईस्ट इंडिया कंपनी से। दे ऑल्सो क्लेम दैट कंपनी वॉज रिपीविंग द बंगाल गवर्नमेंट टू हीज अमाउंट ऑफ रेवन्यू एंड अंडरमाइनिंग द अथॉरिटी ऑफ नवाब। उसने ये भी कह दिया कि आप लोग यहाँ पर लगातार क्या कहते हैं टैक्स फ्री ट्रेड कर रहे हैं, और उसके बाद क्या कहते हैं हमारी अथॉरिटी को अंडरमाइन कर रहे हैं, हमारी अथॉरिटी को हमारे कहने को नहीं मान रहे हैं। ठीक, कन्फ्लिक्ट लेड टू द कन्फ्रंटेशन एंड फाइनली कल्मिनेटेड इन द फेमस बैटल ऑफ प्लासी। और यही होता है लास्ट में बैटल ऑफ प्लासी में। बैटल ऑफ प्लासी का रीज़न क्या था, बैटल ऑफ प्लासी का रीज़न यही था। ओके आपके नवाब ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारी चीज़ें करने से मना किया, लेकिन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने नवाब की बात नहीं सुनी, जिसके कारण इन दोनों पावर्स के बीच में आगे चलकर एक बहुत ही फेमस बैटल होता है। इस पर्टिकुलर बैटल से हम लोग नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, और अगर आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आया हो, आपने वीडियो को एंजॉय किया हो, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए।